जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान से जदयू लाख दूरी बना ले, पर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। यही वजह है कि एक तरफ जदयू के अन्य नेता अपने सांसद के बयान को निजी मुद्दा बता रहे हैं, पर राजद के पूर्व मंत्री व पूर्वी चंपारण के नरकटिया विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार को धोधारा से बाहर निकालकर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि वे अब सेक्युलर है या नहीं। पूर्वी चंपारण जिले के नरकटिया विधायक व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे थे। इसी बीच मीडिया से मुखातिब होते हुए डॉक्टर शमीम अहमद ने कहा कि सदन के ऊंचे ओहदे पर बैठने वाले नेता का इस तरह की बयान देने से समाज में द्वेष फैलेगा, ऐसे में उन्हें जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और मुख्यमंत्री को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। खास करके जो भी माननीय सांसद बने हैं जदयू के और विधानसभा परिषद के अध्यक्ष भी रहे, इस प्रदेश के सबसे उच्च सदन पर बैठने वाले व्यक्ति का जो बयान है वो आपत्तिजनक है और लोगों ने उनको माननीय सांसद भी बना दिया है और इस तरह का बयान हास्यास्पद है, जितना भी निंदा की जाए कम है, लेकिन ये संगत का असर होने लगा है इन लोगों पे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दो धारा के बीच की लड़ाई में कभी अपने को सेकुलर कहते हैं, कभी अपने आप को आरएसएस से जोड़ लेते हैं, तो ये लोग माननीय सांसद जो बने हैं ये लोग खुद कन्फ्यूज है कि हम लोग माननीय मोदी जी के नाम पर जीते हैं या माननीय नीतीश जी के नाम, इसीलिए वे लोग कंफ्यूज करके किसी खास जाति के लोगों को टारगेट कर रहा है। कोई खास जाति इस समाज में सारे लोग मिलजुल करके रहते हैं और समाज में द्वेष फैलाना, किसी बात से अगर किसी को द्वेष फैलता है तो ये कहीं से उचित नहीं है। माननीय सांसद लोगों को इस पर विचार करके यहाँ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। जब भी हम विधायक का इलेक्शन जीतते हैं या एमपी का इलेक्शन जीतते हैं तो हम सारे का मेरे पास भी जो वोट नहीं देते हैं उनका भी हम लोग काम करते हैं, ये हम लोग नहीं करते। ये जनप्रतिनिधि का काम ही नहीं है कि जात समाज में बांट करके हम अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश, अपने देश को विभाजित करें।